निमृत, निमृत। आई टोल्ड यू, मैंने तुझे बोला था, आई टोल्ड यू, मैं आपकी तरह नहीं हूँ प्रियंका, वॉट एवर, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ प्रियंका। हाँ आपको लगता होगा। और अब आपकी फेवरेट और सबसे ज्यादा करीबी टीना। टीना, टीना का क्या बोलूँ, बिग बॉस आप एक काम कीजिए ना प्लीज, एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दीजिए ना बिग बॉस, बिग बॉस प्लीज मेरे लिए चॉकलेट भेज दीजिए, देखिए आपके बच्चे कैसे उदास बैठे हैं। अच्छा इसमें एक और नाम ऐड करते हैं, एम्सिस्टेन। ए शेमरी, तेरे को बोला ना मैंने, तेरे को आप उनका भाषा नहीं समझ में आता है क्या शेमरी? शेमरी विषय ये था ही नहीं, तो विषय में घुसना। हाय मैं हूँ सुचिता दे और आप मुझे देख रहे हैं प्रभात के साथ रेडियो सिटी पर। FM बोले तो रेडियो श्री पर मैं हूँ प्रभात आपके साथ, और आज हमारे साथ बहुत कमाल एकदम। आप अगर देख रहे होंगे सामने तो मुझे मालूम है आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आपकी नजरें इस तरफ होंगी। जी हाँ, क्योंकि आपकी नजरें यहाँ रुकी हुई हैं। ये है श्वेता डे, और पहचान दुनिया रही है इनको, इंट्रोडक्शन की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है कि है, मैं अपने शब्द ही जाया करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे साथ है श्रीता डे रेडियो सिटी पर। बहुत बहुत स्वागत है श्रीता आपका, कैसी हैं आप? ये है बी बोल्ड विद प्रभात, मेरा नाम है प्रभात। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच कि मैं आज बी बोल्ड में आई हूँ आप सबसे बातचीत करने के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी और या आई एम डूइंग वेल। क्या बात है। अच्छा मैं थोड़ा सा ना शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, पहले तो आप ही के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। मैं इतना सारा काम किया इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में थोड़ा बहुत, और टीवी में आपने बहुत काम किया, टीवी से आप लोग ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक अलग किरदार में जाना देन फिर उसको छोड़ के वापस अपने किरदार में आना जो आप हैं, सो ये सब कैसा रहा अभी तक, लाइफ कैसी जा रही है, बिग बॉस से पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो मुझे लगता है जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है वो चीज है एक्टिंग। जब जैसे एक्टर्स के लाइफ में सबको पता है कि कभी आपका शो चल रहा है, फिर वो शो खत्म हो गया है, फिर आप 1-2 महीने काम नहीं कर रहे क्योंकि आपको तलाश है सही किरदार का, सही कैरेक्टर का, तो वो जो 1-2 महीना मेरी लाइफ का होता है ना, मुझे बहुत बोर होने लग जाता है बिकॉज आई लव एक्टिंग सो मच। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद से उठती हूँ सुबह सेट पे जाने के लिए। आई थिंक एक्टिंग इज लाइक इन माई ब्लड कि मुझे उसका कीड़ा है कि सुबह उठते ही चलो कॉफी पियो और गाड़ी में बैठो सेट पे जाओ, कैमरा किधर है, हाँ कैमरा है, रोल रोलिंग एक्शन। तो किरदार निभा, आपका जो सवाल था कि किरदार निभाते हुए कैसा लगता है और कट होने के बाद जब आप अपने आप में वापस आ जाते हैं तो कैसा लगता है, जी जी मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ फर्क है क्योंकि मेरे लिए मैं बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस हूँ, क्योंकि जिस मोमेंट पे एक्शन सुनती हूँ आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, आई गेट इन टू दैट कैरेक्टर, और जैसे कट हो जाता है तो शायद 5 ही सेकेंड में मैं सृजिता वापस आ जाती हूँ। जहां जहां पे वाओ कभी कभी मुश्किल होता है वो होता है इमोशनल सीन्स, जहां पे बहुत ज्यादा रोना होता है या फील करना होता है, तो उस टाइम पे अगर मैं कोई किरदार निभा रही हूँ तो वो किरदार में रह के मैं ये सोचती हूँ कि एज सृजिता मेरी लाइफ में क्या ऐसा पास्ट में कुछ बुरा हुआ होगा जिस वजह से मैं फूट फूट के इस वक्त रो सकती हूँ। जी। जैसा आपने बताया कि सुबह उठते ही आप ढूंढते हैं सेट कहाँ है, कैमरा कहाँ है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा आसान और आपके अंदर से ये चीज आती है। अब बात करते हैं बिग बॉस की, क्योंकि बिग बॉस की काफी सारी बातें हैं करने के लिए। सो मैं, मेरा पहला सवाल ये है, आप वापस आए घर में और एंट्री होती है टीना की मम्मी की, वो आपको हग करती है, बड़ा बड़ा खतरनाक वो सीन था, हम सब हंस रहे थे घर में, मेरी मम्मी हम सब सब लोग बैठ के बहुत तेज हंस रहे थे, आपको क्या फील हो रहा था अंदर? मुझे एक्चुअली बिल्कुल नहीं लगा था कि वो मुझे टीना समझ के हग कर रही है, क्योंकि और मुझे आंटी काफी सालों से जानती है, राइट? तो हमें तो हाँ घर में बैठ के नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या दिखाया जा रहा है, बाहर क्या बातें हो रही है, एग्जैक्टली या किसको कौन सी चीज बुरा लग रहा है, किसकी मम्मी को कौन सी चीज, या घर वाले को कौन सी चीज किसका क्या बुरा लग रहा है, हमें तो नहीं पता, हम तो अंदर है। और तब तक क्या हुआ था कि शायद मेरी और टीना की थोड़ी बहुत बातचीत भी शुरू हो गई थी क्योंकि शी वॉज बिहेविंग क्वाइट नाइस टू मी,
एक दो हफ्ते के, 2-3 हफ्ते के बाद तो थोड़ी बहुत बातचीत भी शुरू हो गई थी। तो मुझे लगा कि आंटी सृजिता समझ के ही मुझे हग कर रही है, कि घर में आते ही शायद सबसे पहले मुझे देखी, क्योंकि टीना थी नहीं वहां पे, टीना गार्डन एरिया में थी। तो शी हग्ड मी और मुझे एकदम से इमोशनल एक फील आया, क्योंकि आंटी और मेरी मम्मी काफी क्लोज दोस्त हुआ करती थी बिग बॉस से पहले तक शायद। तो मुझे वो मम्मी की फीलिंग आई कि अच्छा ठीक है, मेरी मम्मी नहीं आ पाई पर मेरी मम्मी की दोस्त है यहाँ पे, तो वो मम्मी जैसी एक फीलिंग आई। और फिर ये अर्चना हंसे जा रही है और बोले जा रही है, नहीं, उन्होंने तो गलती से तेरे को हग किया होगा। और घर में आप यकीन नहीं मानोगे, किसी ने बात को यकीन नहीं किया था। मैं वहां पे थी, शालीन वहां पे था, साजिद जी वहां पे थे, सब चिल्ला रहे थे अर्चना पे कि बकवास बंद कर यार, वो एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, उन्होंने सृजिता समझ के ही उसको हक किया, क्या बकवास कर रही है, पागल है क्या, इतने बेवकूफ है क्या कोई। और साजिद जी एक्चुअली ये बोल रहे थे कि यार इतने पागल कोई नहीं होंगे, अपनी बेटी को नहीं सब पहचान पाएंगे, अरे सुनीता समझ के हक किए होंगे, ये लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, बकवास बंद कर। एंड उसके 10 मिनट बाद एक्चुअली आंटी टीना से मिलके जब अंदर आती है तो वो बोलती है कि एक्चुअली उन्होंने गलती से किया है यार, वी वर लाइक शिट। हाँ तो वो बहुत फनी सीन था। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि एक्शन सुनते ही आप जो है एकदम कैरेक्टर में आ जाती हैं, मैं आपको कुछ मैं कुछ बिग बॉस के जो प्रतिभागी हैं उनका नाम आपके सामने लूंगा और एक्शन बोलूंगा, और देखते हैं कि आप उनका कौन सा एक एक्टिंग करके हमें दिखाती हैं, चलेगा? बिल्कुल ऑल राइट, तो एक्शन, शालीन। निमृत, आई टोल्ड यू, मैंने तुझे बोला था, आई टोल्ड यू, मैं आपकी तरह नहीं हूँ प्रियंका, वॉट एवर, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ प्रियंका। हाँ आपको लगता होगा, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं और अब आपकी फेवरेट और सबसे ज्यादा करीबी टीना। टीना, टीना का क्या बोलूं, बिग बॉस आप एक काम कीजिए ना प्लीज, एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दीजिए ना बिग बॉस, बिग बॉस प्लीज मेरे लिए चॉकलेट भेज दीजिए, देखिए आपके बच्चे कैसे उदास बैठे हैं। अच्छा, इसमें एक और नाम ऐड करते हैं, एम्सिस्टेन। ए शेमरी, तेरे को बोला ना मैंने, तेरे को आप उनका भाषा नहीं समझ में आता है क्या शेमरी, शेमरी विषय ये था ही नहीं, तो विषय में घुसना, हिंदी तेरे को मातृभाषा। विषय नहीं पता है क्या शेमरी। क्या बात है। और आपकी एंट्री तो धमाकेदार थी, जैसा मैंने भी कहा और आप ही बता रहे थे, लेकिन आपकी एंट्री से सबसे दिक्कत हुई टीना को, जब आपने उन्हें कह दिया कि काला दिल है ऑल, और साथ ही साथ एक आपका और वीडियो वायरल हुआ वायरल शो की, जब आपने कहा कि टीना के बारे में कि कितनों के घर खराब किए हैं, है ना, कितनों के घर तोड़े हैं, इसको भी जानना चाहूंगा, क्या चल रहा था उस वक्त माइंड में और ये बात क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? तो जब मेरी एंट्री हुई थी, हाँ मैंने पीछे से फिर शो देखा, ऑब्वियसली मुझे मौका मिला कि मेरे पीठ पीछे कौन लोग क्या बात कर रहे थे उसके बारे में पता चले। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज भी मैं कहूंगी मेरे लिए था, और एक मौका था जिससे मुझे पता चला कि एक्चुअली लोग मेरे पीछे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो टीना की कई सारी सोच बाहर आई जब मैं घर के अंदर थी पहली दफा, फर्स्ट टाइम, तो वो मैंने पीठ पीछे जो 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 जितनी भी बातें करी है वो सारी मुझे पता चली थी। बाद में जब मुझे वापस से सेकंड टाइम एंटर करने का मौका मिला था तो मुझे लगा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि आपने मेरे पीछे क्या बातें की है, सो ऑब्वियसली आई शुड चार्ज दैट पर्सन, कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। लिस्ट पूछूं तो सही कि मैंने आपकी जिंदगी में क्या पनौती डाला, मतलब मैंने आपको कब नेगेटिव एनर्जीज दिए जो आपको मेरे एनर्जी से प्रॉब्लम है। तो शायद कहीं ना कहीं आपका ही दिल काला है, इसलिए आपको सामने वाले का भी दिल काला दिखता होगा या नेगेटिव एनर्जीज लगता होगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात, जो घर तोड़ने वाली बात हुई थी, तो शालिन और टीना कुछ बात कर रहे थे किचन में, और कुछ इंसिडेंट्स हैं ऐसे जिसकी वजह से मैंने ये चीज बोला कि बहुत लोगों का घर तोड़ा होगा, क्योंकि मैं जिंदगी में ये बिलीव करती हूँ कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, लाइफ इज लाइक अ सर्कल, कि आप कुछ भी करते हो आपकी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं घूम के वापस आता है, कर्मा। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं हर किसी की जिंदगी में, मेरे आसपास के भी जो लोग हैं, मैं देखती हूँ कि ऐसा होता है, और मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई बिलीव इन दी स्पिरिचुअलिटी, सो
दैट्स व्हाट आई मेंट कि जो आप कर्म करते वो कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आता है। एग्जैक्टली। सो मैं ये जानना चाहूंगा फ्यूचर में हम आपको कहाँ दिखने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा गौतम विज बाहर निकले एक शो मिल गया, अंकित बाहर निकले एक शो मिल गया, आपको भी देखने वाले हैं कि... मैं उम्मीद तो आशा तो यही करती हूँ कि आप मुझे भी बहुत जल्दी कोई शो में देखे, क्योंकि हाँ रियलिटी के बाद मन कर रहा है कि हाँ अभी वापस से मैं फिक्शन में वापस आऊँ, फिक्शन करूँ फिर नॉन फिक्शन करूँ, क्योंकि रियलिटी का भी अलग एक चस्का है जिंदगी में। आज तक मैंने 10 साल 12 साल के करियर में कभी रियलिटी शो नहीं किया था इतने बड़े लेवल का, तो जब किया तो इसका भी अलग मजा है टू बी और टू प्ले सृजिता एवरी डे। बट एग्जैक्टली। फिलहाल मैं चाहूंगी कि मैं फिक्शन करूँ, कोई कोई अच्छा सा रोल करूँ, एक अच्छा सा किरदार मिले, यही आशा कर रही हूँ। और ऑडियंस भी, ऑडियंस को भी मैं निराश नहीं करना चाहती हूँ, ताकि ऑडियंस भी मुझे बहुत ही जल्द से जल्द टीवी में वापस देख पाए। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको देखने के लिए बेताब है हम सभी लोग। और मैं ये जानना चाहूंगा आपने अपनी लाइफ में सबसे बोल्ड चीज क्या की है आज तक, सबसे बोल्ड चीज क्या की है, क्योंकि ये बी बोल्ड विद प्रभात है तो सवाल बनता है, सबसे ज्यादा बोल्ड चीज आपने क्या की है लाइफ में? पिकिंग अप बिग बॉस, क्योंकि पिछले 2 3 साल भी ऐसा हुआ था जब बातचीत चली थी, पर शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं ऐसे एक रियलिटी शो में जाके रह पाऊंगी या डील कर पाऊंगी या कोप अप कर पाऊंगी, या बाकी जो भी कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ मैं, जिनको मैं कभी नहीं जानी जानती हूँ, उनके साथ को एग्जिस्ट कर पाऊंगी। ये मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन था, क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ, मैं हमेशा बहुत कंफर्टेबल जोन में बचपन से बड़ी हुई हूँ, मम्मी पापा स्कूल स्कूल घर घर कॉलेज, तो बहुत ही कन्फाइंड स्मॉल एनवायरनमेंट में, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ, और मैं बहुत ही कंफर्टेबल लोगों के साथ मिलना पसंद करती हूँ। इसलिए मेरी जिंदगी में आज तक शायद सिर्फ 2 या 3 ही बहुत करीबी दोस्त है, मैं हर किसी को करीबी दोस्त नहीं कह पाती हूँ। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर जाके बिल्कुल अनजान 15 या 14 लोगों के साथ रहना ऐसे शो में, जहाँ पे कैमरा आपको कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और कई सारे कैमरा, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट डिसीजन आई वुड से दैट आई हैव टेकन इन माई लाइफ। रेडियो सिटी।